नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। इस बार लेकिन कार्यक्रम में इस एपिसोड में कुछ फर्क है। सिर्फ मेरी नजर से नहीं होगा, बल्कि मेरे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ इतिहासकार, उनकी नजर अहम होगी, मेरी रोल सेकेंडरी होगी। मैं आज बात करूंगा जालियांवाला बाग के बारे में। जालियांवाला बाग का हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या महत्व है, उस घटना से क्यों हुआ था, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, उस चीज के बारे में बात करूंगा। और अभी हाल की जो कंट्रोवर्सी हुई है जालियांवाला बाग मेमोरियल के मेकओवर को लेके, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की जाएगी कि बहुत सारे इतिहासकार इस तरह के मेकओवर से परेशान या नाराज क्यों हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का परिचय सलिल मिश्रा के साथ करा दूं, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही जाने माने स्तंभ हैं, जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर भी हैं। सलिल जी, इस कार्यक्रम में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलांजन। सलिल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जालियांवाला बाग के बारे में बात होती है, हमको ये जानना है, सब जानते हैं कि वहां अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी और अनेक शहीद हो गए थे, क्यों हुआ था ये आंदोलन, लोग बैसाखी के दिन वहां क्या एक आम बैसाखी का त्योहार मनाने गए थे या किसी राजनीतिक प्रोटेस्ट के लिए गए थे, क्या था ये जो इशू था, जो मुद्दा था जिससे हिंदुस्तान की जो आवाम थी वो पहली बार शायद एक मास मूवमेंट के तौर पर खड़ी होना शुरू हो रही है। नीलांजन, इसका इतिहास थोड़ा सा पुराना है। स्वदेशी आंदोलन के बाद में ऐसा हुआ था कि एक खास तरह की राजनीति की शुरुआत हुई थी, जिसको कि हम एक अंडरग्राउंड वायलेंट पॉलिटिक्स कह सकते हैं, कभी इसको टेररिज्म का भी नाम दिया जाता था, जिसमें से कि जो बहुत ही अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे उनकी हत्या की गई, बॉम्ब वगैरह भी फेंके गए। तो ब्रिटिश सरकार इस गतिविधि को पूरी तरीके से रोकने में बहुत ही दृढ़ संकल्प थी और उनको लग रहा था कि जो उनके एग्जिस्टिंग कानून हैं उनके उनकी वजह से उनसे उनको बहुत मदद नहीं मिल रही है। तो वो एक नया कानून लाए और जिसको लाने वाले जज थे उनका नाम था रॉलट, तो उसका नाम एक रॉलट एक्ट बना और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और हमारी यहाँ असेंबली ने भी उसको पास कर दिया। भारत के लोगों ने उसका बहुत, जो भारत के सदस्य थे उन्होंने विरोध किया। तो उसके बारे में कहा जाता था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, मतलब किसी को भी जैसे ही पता लगेगा तो वो गिरफ्तार कर सकते। तो भारतीयों ने उसको नारा दिया था, हमारे नेताओं ने, नो अपील, नो वकील, नो दलील, कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब उसके खिलाफ नहीं, कोई सवाल नहीं पूछ सकते, कोई, सीधे आपको जेल में डाल दिया जाएगा कुछ समय के लिए। तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक आंदोलन, ये अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक पहला बड़ा आंदोलन था, रावलट सत्याग्रह, और इसमें पंजाब से भी शुरुआत हुई। पंजाब में गदर आंदोलन की वजह से एक एंटी साम्राज्यवाद विरोधी लहर काफी बड़ी हो चुकी थी। तो इसका सबसे जो रावलट सत्याग्रह था, सबसे बड़ी, सबसे अच्छी रिस्पांस जो है वो पंजाब से आई। लेकिन पंजाब में जब इसकी शुरुआत की गई 11 अप्रैल को 1919 में, तो थोड़ी सी हिंसा हुई वहां पर और थोड़ी गोली वगैरह चली और उसमें कुछ भारतीय लोग मरे और कुछ भारतीयों की तरफ से भी हिंसा हुई। और उसके बाद में मार्शल लॉ वहां पर लगा दिया गया, जनरल मेजर जनरल डायर ने आके घोषणा कर दी कि कोई असेंबली नहीं हो सकती, कोई इकट्ठा नहीं हो सकते, पूरी तरीके से वो हो गया था। उसके विरोध में 14 अप्रैल, जो कि बैसाखी का भी दिन था, तो जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, वहां भाषण चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, एक राजनीतिक असेंबली थी। तो वहां पर ब्रिगेडियर जनरल डायर को ये लगा कि ये इस तरह के प्रतिरोध को अभी नहीं, आगे के लिए भी हमेशा के लिए रोक देना है। तो उनको लगा कि इतना बड़ा दमन किया जाए इस गतिविधि का, इतनी फाइनलिटी के साथ उसको दबाया जाए कि बहुत सारे लोग काफी समय तक उठने के बारे में सोच ही ना सके। तो एक बहुत खास तौर से सोचा हुआ ये राजनीतिक कदम था, जिसके चलते कि लोगों को ना वार्निंग दी गई, ना रोका गया, सीधे गोली चलाई गई और जब तक 1652 उनके राउंड खत्म नहीं हो गए तब तक लगातार गोली चलती रही। और जब उसमें बहुत सारे लोग मर गए, घायल हो गए, तो जनरल डायर ने अपनी फौज को आदेश दिया और वो चुपचाप सबको छोड़ के वहीं से चले गए। तो उसने एक बहुत ही एक मॉरल
एक लोगों के दिल में एक बहुत ही वितृष्णा देश भर में पैदा कर दी इस तरह का जो एक्ट था। इंग्लैंड में भी बहुत सारे लोग इसको लेकर नाराज हुए, चर्चिल भी इसको लेकर नाराज हुए। तो ये उसकी पृष्ठभूमि थी जिसमें कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जी, मैं बहुत संक्षेप में मैं अक्सर गांधी जी के जो शब्द थे राउलेट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, उनको मैं रीसेंट पॉलिटिकल गतिविधि के बारे में बात करते करते अक्सर दोहराता रहा हूं। मैं एक बार दोबारा से उनको रिपीट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि रॉलेट जो बिल्स थे, जो दो आए थे, दो अलग अलग बिल्स थे, कि उन्होंने कहा था कि दे आर नॉट स्ट्रे एग्जाम्पल ऑफ लैप्स ऑफ राइटियसनेस बट एविडेंस ऑफ डिटर्मिंड पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन। नॉन कोऑपरेशन के बारे में जो यहां से जो शुरू होता है, उन्होंने कहा था मीन्स रिफ्यूजल टू हेल्प द सिनर इन हिज सिन। तो बहुत कड़े शब्द नॉन वायलेंट तरीके से गांधी जी ने रखे थे। आपने जिक्र किया था कि एक सेंस ऑफ रिवल्शन पूरे हिंदुस्तान में और ब्रिटेन में भी पूरी तरह से फैल गया था, यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड भी वापस कर दिया था, जिसके चलते एक तरह से एक सेंस ऑफ रिवल्शन तो हुआ, लेकिन आम जनता में इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, और ये हिंदुस्तान की जो आप लोग बोलते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया की सबसे पहली मास मूवमेंट थी, उसमें कैसे तब्दील हुई? दरअसल में ऐसा था कि जलियांवाला हत्याकांड से पहले जो हमारी भारतीय राष्ट्रवाद की राजनीति थी, जो साम्राज्यवाद विरोध की राजनीति थी, वो दो अलग अलग पैरेलल स्ट्रीम में चल रही थी। एक तो स्ट्रीम थी मिडिल क्लासेस की, जो मिडिल क्लास अपने तरीके से लिख पढ़ के, पेटिशंस के द्वारा, अपील करके, मोबिलाइजेशन के द्वारा, मॉडर्न पॉलिटिक्स करके अपने एंटी इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद विरोध को अपना एक्सप्रेशन दे रहे थे। और दूसरी पैरेलल स्ट्रीम थी सामान्य लोगों की, जो मिलिटेंट थी, जो स्पॉन्टेनियस थी, जिसमें हिंसा भी थोड़ी थी किसानों की और समाज के और छोटे वर्गों की, वो भी ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे। लेकिन ये तो जो लड़ाइयां थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ये लग रहा था कि दो अलग अलग एक समानांतर लाइनों की, समानांतर रेखाओं की तरह चल रही है। जलियांवाला बाग के बाद में ये होता है, और इसमें गांधी का बहुत विशेष योगदान है, कि ये जो दो समानांतर लाइनें हैं ये मिल जाती हैं। इसके बाद जो हमारा मिडिल क्लास का जो प्रोटेस्ट की राजनीति है, और सामान्य लोगों की, किसानों की, जनजातियों की, मजदूरों की, उनकी जो साम्राज्यवाद विरोधी राजनीति है, वो लगता है एक ही छत्र छाया में, एक ही बैनर के नीचे आ जाती है। और इसकी वजह से भारतीय राष्ट्रवाद की जो राजनीति है, जो साम्राज्यवाद विरोध की राजनीति है, उसमें खासा पैनापन आता है, वो बहुत ज्यादा व्यवस्थित भी होती है और वो बहुत ज्यादा मजबूत भी होती है। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हम इससे मान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अंततः जो 1947 में हुआ, जो हमें आजादी मिली, उसमें एक बहुत बड़ा पहला कदम जो मैं समझूंगा, वो जलियांवाला पे जिस तरह की प्रतिक्रिया पंजाब की जनता में नहीं, देश भर की जनता में ही, और किस तरह से अलग अलग स्ट्रीम के लोग जो हैं वो आके एक ही मंच पर आके और एकजुट हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी विरासत है जलियांवाला की। एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, जब जलियांवाला पे कमीशन ब्रिटिश ने अपनी बैठाई, हंटर कमीशन, और भारतीय नेताओं ने, जी हंटर कमीशन, और भारतीय नेताओं ने भी अपनी बैठाई, उसमें गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बोला था, जो आप गांधी की बात कर रहे थे, गांधी ने कहा कि ये इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब ये क्राइम जो है किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय, किसी एक क्षेत्र के खिलाफ नहीं है, ये पूरी इतनी बड़ी हिंसा है कि पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के खिलाफ ये एक हिंसा है। और ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, आज तो ये ह्यूमन राइट्स मूवमेंट दुनिया भर में होते हैं, उनमें एक बहुत ही फेवरेट कैच फ्रेज हो गया है, लेकिन ये जब कैच फ्रेज बना, उससे 30 साल पहले, 3 दशक पहले महात्मा गांधी ने इसका इस्तेमाल किया था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। दूसरा जो है कि जो पूरा जो राउलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह था, और उसके बाद जालियांवाला बाग, हंटर कमीशन की फाइंडिंग्स को लेके जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, उसी में फ्यूज किया गया खिलाफत मूवमेंट भी, एक सेक्युलर कैरेक्टर देने के लिए, बिल्कुल इंक्लूसिव कैरेक्टर देने के लिए नेशनल मूवमेंट को, तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट था हिंदुस्तान की राजनीति में, खासतौर से नेशनल मूवमेंट में उस समय। तो हमको ये एक चीज और देखने को मिलता है कि उसमें जो है डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे लोगों को,
उसमें बहुत मतलब उनका दमन हो रहा था, उसको दबाया जा रहा था और उसके खिलाफ भी आवाज उठ रही थी, तो उसका इम्पैक्ट आगे चल के क्या हुआ? हमको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद बंद कर दिया गया, उसको विड्रॉ कर लिया गांधी जी ने, उसके लिए वो एक अलग विवाद है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन इससे राष्ट्रीय आंदोलन को क्या गति? एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जो हुई, चूंकि जैसा कि आपने बताया कि ये मसला एक मानवाधिकार का भी था, एक सिविल लिबर्टीज का भी था, ह्यूमन राइट्स का था, ह्यूमन राइट्स शब्द का इस्तेमाल उस समय नहीं करते थे, उस समय नहीं होता, दूसरे विश्व युद्ध के बाद होता, लेकिन सिविल लिबर्टीज का इस्तेमाल करते थे, मतलब वही था। तो सिविल लिबर्टीज का जो मसला है वो हमारी जो आजादी की लड़ाई है उसका एक अभिन्न अंग बन गया। दुनिया में बहुत सारी जो साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई हुई है उन सब में सिविल लिबर्टीज की बहुत बात नहीं की गई थी, उतना नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ गांधी ने सिविल लिबर्टीज को कहा कि ये तो वाटर ऑफ लाइफ है, इसको भी और डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में एक सिविल लिबर्टीज यूनियन की शुरुआत की, जो कि बाद में जिसको कि और प्रॉपर और फॉर्मल रूप दिया गया, लेकिन उनका मानना था कि नॉन पार्टी लाइन पे एक सिविल लिबर्टीज यूनियन की शुरुआत की जाए। नेहरू ने उसमें पहल की। 19वीं सदी के हमारे नेताओं ने प्रेस की आजादी के लिए और अपने एक्सप्रेशन की आजादी के लिए, बोलने की आजादी के लिए अपना एक संघर्ष चलाया। तिलक को सबसे पहले 6 साल की जेल इसीलिए हुई थी, एक भाषण देने के लिए और एक लिखने के लिए, मतलब एक सिविल लिबर्टीज के मसले पे। तो इसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे चलता है उसकी एक विशेषता ये है कि उसमें सिविल लिबर्टीज को काफी ऊपर रखा जाता है, काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जो 3 मुद्दे जिन पे लोगों को लामबंदीकरण किया जाता था अंग्रेज साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ, एक तो इस आधार पे किया जाता था कि ये विदेशी सरकार है, इनका विदेशी स्वरूप है, ये हमारे नहीं है। दूसरा आर्थिक शोषण, जो हमारी धन संपदा जा रही है। और तीसरा सिविल लिबर्टी। तो सिविल लिबर्टी का स्थान लगभग उतना अच्छा और उतना ऊपर था। और ये जलियांवाला के बाद की बात है कि एकदम से सिविल लिबर्टी हमारे नेशनल मूवमेंट का एक अभिन्न अंग बन गया और वो बना रहा 1947 तक। तो क्या हम मान सकते हैं कि आज हमारे संविधान में जो हम बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, तो उसका जो मूल रूट है वो उस कॉन्शियसनेस में है जो राउलट एक्ट के में जो उसके खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ और उसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो ट्रिगर और के जो आंदोलन हुआ, क्या उसमें उसकी रूट्स देख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से देख सकते हैं हमारे संविधान में भी और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो गतिविधियां हैं उनमें भी। और इसकी शुरुआत तो पहले से हो गई थी, लेकिन जो रॉलट सत्याग्रह है, आपने कहा रॉलट सत्याग्रह को मैं इस लंबी कहानी में एक बहुत ही मुख्य स्तंभ के रूप में देखता हूं। ट्रिगर पॉइंट तो वहीं से शुरू होता है। अगर वो उसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे होते तो बैसाखी के दिन मार्शल लॉ को वायलेट करते हुए जालियांवाला बाग में उतने लोग इकट्ठे नहीं होते, फायरिंग नहीं होती और फिर शायद हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कुछ और होता। आजादी तो मिलती लेकिन स्वरूप शायद और होता और सेंट्रल कॉन्शियसनेस शायद कुछ और होता। आगे बात करते हैं कि जो फिलहाल की जो कंट्रोवर्सी है, मैं पर्सनली मैं सबसे पहली बार जब पंजाब में बहुत घनघोर अंधेरा छाया हुआ था 80 के दशक में, उस दौरान में पहली बार जब एक कुछ पंजाब में आतंकवादी विरोधी आतंकवाद से जुड़ी हुई कुछ एक बहुत मेजर घटना हुई थी, तो एक पत्रकार के तौर पे मैं पहली बार गया था। तो जालियांवाला बाग हम देखने के लिए गए थे कि क्या है, घूमने नहीं गए थे जैसा कि आज लोग जा रहे हैं और वहां जाके सेल्फी खिंचवा रहे हैं और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। वो एक बहुत ही ग्रिम रिमाइंडर के तौर पे था कि यहाँ क्या हुआ था। वहां जाके हमको एक दुख महसूस हुआ था। उसके बाद से पिछले कई सालों से, करीब 10 सालों से मेरा जाना वहां पे नहीं हुआ है। ये जो मॉन्यूमेंट का जो मेकओवर हुआ है, आई एम श्योर कि लॉकडाउन की वजह से आपको शायद मौका नहीं मिला होगा वहां जाने का, बहुत कम लोग अभी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, शायद उचित भी नहीं होगा, लेकिन जो कुछ पढ़ा है जो कुछ देखा है, इतिहासकार के तौर पर आपकी क्या टिप्पणी है इस स्केल पे, इस तरह का मेकओवर के बारे में क्या सोचते हैं? निरंजन, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ इसमें। पहली तो यही कि हेरिटेज और टूरिज्म का एक रिश्ता तो है,
एक हेरिटेज हमारी है, हमारी मेमोरीज, हम अपनी ऐतिहासिक हमारी स्मृतियां हैं, हम उनको संभाल के रखना चाहते हैं, संजो के रखना चाहते हैं। और टूरिज्म या पर्यटन एक वो माध्यम है जिसके तहत बहुत सारी चीजें लोगों तक जाती हैं, पॉपुलर सिंबल्स बन जाती हैं। और अक्सर पर्यटन में हम चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, पर्यटन के साथ सेलिब्रेशन जुड़ा हुआ है और उसका एक महत्व भी है और वो जरूरी भी है। लेकिन जब हम एक खास तरह के हेरिटेज, जलियांवाला कोई सिर्फ एक मामूली जगह नहीं है, जलियांवाला के साथ बहुत तरह तरह की हमारी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं और हम अलग अलग उन तरह से हम चाहते हैं कि लोग जलियांवाला को देखें और जलियांवाला को याद रखें और जलियांवाला को याद करें। तो इस हेरिटेज के साथ में टूरिज्म का क्या रिश्ता बनता है, ये बहुत जटिल सवाल है और उसको बहुत गंभीरता के साथ सोचना होगा। मैं बर्लिन में गया था, वहां पे एक होलोकास्ट म्यूजियम मैंने देखा था, जहां पर कि हिटलर के समय में बहुत सारे 60 लाख ज्यूज को जिस तरह से जो हत्याकांड हो गया था उसको याद करते हुए एक होलोकास्ट म्यूजियम बनाया है। और आप जब लोग उसमें जाते हैं और वहां से निकल के आते हैं तो मैं लोगों के चेहरों को देख रहा था तो एक और बहुत ग्रिम उनके साथ चेहरे होते हैं, लगता है कि एक बहुत ही लंबे डार्क अंधेरे और बहुत ही नेगेटिव तरह के इतिहास से होके निकल के आए हैं, वो जानकारियां हैं और लोगों में बहुत ही एक अफसोस के साथ मैंने देखा कि वो निकल के आते हैं। उसको म्यूजियम को इस तरह से बनाया गया है कि आपको वो कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी वो आपको याद रहे। हम भी चाहते हैं, हम ये तो चाहते हैं कि देश भर के लोग जलियांवाला में आए तो उसका मेकओवर तो होना चाहिए था, इसलिए कि जब देश भर के लोग आएंगे, देखेंगे, रुकेंगे वहां पे। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जब देश भर के लोग उसको वहां पर आए तो वो ये भी समझें कि जलियांवाला किस तरह की घटना थी, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये बहुत ही खास, यूनिक और स्पेशल ट्रेजिक अनफॉर्चुनेट इवेंट थी, हत्याकांड, जिसमें कि हमारे बहुत सारे लोग जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए वहां बैठे हुए तो उनको बहुत ही बर्बरता के साथ उनको और एक खास मकसद के साथ, एक खास पॉलिटिकल पर्पस के साथ उनको उनका हत्याकांड हुआ। हम चाहते हैं कि ये सेंस ऑफ ट्रेजेडी लोगों तक पहुंचे तो एक सोबर तरीके से लोग ये देखें, लोग जाने कि हमारे अतीत का इतिहास क्या था, कितनी कितनी कुर्बानियां दी गई, हम आजाद हो गए हैं, हम हमारे पास आज बेहतर संविधान है, हम आजाद हैं, हम यूं ही आजाद नहीं हो गए, हमारी आजादी के लिए बड़े बड़े नेता तो हैं लेकिन बहुत सारे सामान्य लोग, जलियांवाला में कोई बड़े नेता नहीं इकट्ठे हुए थे, सब सामान्य लोग थे जो कि गए थे, जिनको कि ये डर था कि उनके अगेंस्ट हमला हो सकता है, हमला हुआ, बहुत से लोग भागे, बहुत से लोगों ने जान दी, वो सारी कुर्बानियां भी शामिल हैं जलियांवाला की स्मृति में। तो मैं चाहूंगा कि उसको इस तरह से रखा जाए कि वो वैसा पर्यटन ना हो जाए एक सेलिब्रेट करने वाला, इसलिए कि सेलिब्रेशन का मसला नहीं, ये गंभीरता का मसला है, इसमें एक गांभीर्य है, ये कोई बहुत ही कलरफुल ओकेजन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेकओवर तो उसका होना चाहिए था, मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन इस गांभीर्य को, इस सीरियसनेस को, इस सोबर एलिमेंट को, इसको ध्यान में रखते हुए ताकि लोग देखें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा उनकी चेतना झकझोरी जाए और वो जाने कि हम जो आजाद हुए हैं उसके पीछे कितना खून खराबा गया है, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है और हम उन लोगों को याद कर सके जिन्होंने कुर्बानी दी है। ये स्पिरिट होना चाहिए जलियांवाला की, वो नॉर्मल टूरिज्म वाली स्पिरिट अगर उसको बढ़ाई जाएगी तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जो थोड़ा बहुत आप देखे हैं या जो पढ़े हैं, जो लोग वहां पे गए, कई विद्वान भी गए, कई इतिहासकार गए, कई और बहुत जानकार गए हैं जो सारी जिंदगी जाते रहे, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनका जो विजुअल्स हैं, उसके बारे में आपको देख के क्या लगता है कि जिस तरह का मेकओवर हुआ है, क्या इससे वो सेंस ऑफ ट्रेजेडी परसीव होगी जो विजिटर्स होंगे, और क्या वो जिन हकों के लिए लोग शहीद हुए थे, क्या उन हकों के लिए लोग सेंसिटाइज होके आएंगे, कि हमको सिर्फ ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट बीते हुए अतीत को जाके देख के उसको छूने का नहीं है लेकिन सेंस करने का है और उस स्पिरिट को अपने अंदर भरने की जरूरत है। नेशन बिल्डिंग के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आजकल असल में बहुत टेक्नोलॉजीज बहुत सुपीरियर हो गई है और बहुत ही डैजलिंग और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भड़काऊ और बहुत ही इस तरह के कि जो कि हमको चकाचौंध कर दे, डैजलिंग शब्द है मेरे दिमाग में, इस तरह की चीजों को काफी बनाया जा सकता है और अक्सर वो हमारी जो आर्किटेक्चरल सेंसिबिलिटी है
वो इस डैजलिंग एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा जाती है और हमारा टूरिज्म भी कहीं ना कहीं पे उसी की तरफ गियर होता है, लाइट लाइट फायरवर्क्स, रोशनी, पटाखेबाजी, आतिशबाजी, वो सब। जलियांवाला एक अलग तरह का अनुभव है। हम पहली बात तो ये कि हम जब जलियांवाला का जो बाग है वो वही रहे, वो कुछ और ना बन जाए, हमें वही बताना है लोगों को। तो अगर उसमें एक एंट्रेंस थी और कोई एग्जिट नहीं था, और अगर आप उसको बदल के पर्यटकों की सुविधा के लिए बहुत सारे उसमें से एग्जिट बना देंगे, तो वो उसकी वो मूल भावना खत्म हो जाती है। जलियांवाला को जलियांवाला की तरह प्रिजर्व किया जाना चाहिए, कुछ और तरह से नहीं। इट शुड रिमेन व्हाट इट वाज। उसको बहुत खूबसूरत नहीं बना देना है, उसको बहुत ही डैजलिंग नहीं बना देना है। और दूसरी बात ये कि हम इस तरह से अपनी जानकारी को, वहां की स्मृतियों को, वहां के चिन्हों को, जो कुआं है और निशानों को, इस तरह से प्रस्तुत करें कि उनको देखने के बाद में देखने वाले लोग एकदम से सोचने पर मजबूर हो जाएं, देखने वालों के दिमाग में वो तस्वीर आए 1914 अप्रैल की, कि किस तरह से लोगों ने जो है अपनी जान दी और किस तरह से यहाँ बर्बरता का एक तांडव नृत्य हुआ। वो सेंस लोगों के सामने आए, फिर लोग सेल्फी नहीं लेंगे वहां पे, फिर लोग बैठ के सोचने को मजबूर हो जाएंगे, फिर लोग सोचेंगे कि 100 साल पहले क्या हुआ था और कितनी बड़ी वो कितनी ट्रेजिक, कितनी दर्दनाक घटना थी। वैसा ही जैसा कि बर्लिन के जो होलोकॉस्ट म्यूजियम में मैंने देखा, वहां वो सेलिब्रेशन का माहौल नहीं रहता है। लोग जब वहां से निकल के आते हैं तो वो उनके सर झुके हुए होते हैं, वो गंभीरता से सोच रहे होते हैं कि क्या हुआ था हमारे देश के इतिहास में, वो कौन लोग थे, क्या क्या सब हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के स्मारक को, उसकी बेसिक चीज को प्रिजर्व करते हुए हम उन मेमोरीज को इन्वोक करें, और बहुत ही ज्यादा डैजल अगर करेंगे, बहुत ही ज्यादा भड़काऊ बनाएंगे, रंग बिरंगा बनाएंगे, तो जिसको लेके कि लोग सेल्फी लें, तो उसका सारा पर्पस खत्म हो जाता है। तो फिर वो जलियांवाला की मूलभूत जो भावना है वही खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बैसाखी के दिन जो लोग वहां विरोध करने गए थे उनको पता था जिस दरवाजे से अंदर जाना है, जिस पतली गली से अंदर जाना है, उसी से एग्जिट करना है। उसको अगर आप बदल देंगे तो जो जलियांवाला बाग मेमोरियल है उसका मूल कैरेक्टर बदल जाएगा। एक मेकओवर हुआ है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करेंगे कि इस मेकओवर के बाद एक बेहतर मेकओवर हो, ताकि हिंदुस्तान की आवाम जो जलियांवाला बाग आने वाले सालों में वहां पे जाए, वहां अपने इतिहास के बारे में सेंसिटाइज होके लौटे, ना कि डैजल होके लौटे। ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सलील जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलांजन।